इसलिए हर रोज सिर्फ एक पत्ता खाकर अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कीजिए। इसे साबुन से मत धोइए, बस खा लीजिए। तो हम यहां हैं। अगर आपके पास आम का पेड़ हो आसपास में, तो रोजाना 2-3 ताजे आम के पत्ते खाइए। जब वो ऐसे गुलाबी रंग के होते हैं तब ये खाने में अच्छे लगते हैं। जब वो हरे होते हैं तब चबाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप खा सकते हैं। ये आपके दांतों के लिए अच्छा है, और सबसे बढ़कर ये आपकी इम्यूनिटी को काफी हद तक बढ़ा देगा। हर रोज एक आम का पत्ता, मतलब मजबूत इम्यूनिटी। इम्यूनिटी महामारी के इस मौसम में अभी सबसे बड़े गुणों में से एक है, इसलिए हर रोज सिर्फ एक पत्ता खाकर अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कीजिए। इसे साबुन से मत धोइए, बस खा लीजिए। इसलिए नीम खाना बहुत जरूरी है। नीम से जुड़ी सिर्फ एक चीज है कि अगर आप इसे ज्यादा खा लें तो ये स्पर्म सेल्स या शुक्राणुओं को भी मारता है। मतलब हमें कम आबादी का सौभाग्य मिलेगा अगर दुनिया में सभी काफी नीम खाने लगें। ये शुक्राणुओं को मारता है, इसलिए इसे कम मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ क्या होना चाहिए ये तय करना हमारा काम नहीं है। और गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण करने के बाद 4 महीनों तक, या सुरक्षित होने के लिए गर्भधारण करने के बाद 5 महीनों तक नीम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये शुक्राणुओं को मारता है। जब गर्भ में बच्चे का विकास हो रहा होता है तब भी शुक्राणु की भूमिका होती है एक खास समय तक। 4 महीनों का समय बताया गया है, पर मैं 5 महीने कह रहा हूँ। 5 महीनों के बाद खाना ठीक है।